हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थ्री के स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए। जैसा कि आप लोग को सेल्फ प्रैक्टिस वन कंप्लीट किया हूं मैं, वन में जो भी है आप लोगों को वो मैं बताया हूं, यानी कि वन ए हो चाहे वन बी हो, तो इसमें देख रहा हूं कि सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस वन ही दिया है, इसलिए वन में कंप्लीट किया हूं। सेल्फ प्रैक्टिस वन में क्वेश्चन नंबर 21 तक मैं आप लोग को सॉल्व किया हूं, समझाया हूं, और 4 नंबर तक क्वेश्चन सिंपल था सब, इसलिए छोड़ दिए थे। टू डिजिट का नंबर भी आपको पढ़ाया है कि टू डिजिट का नंबर कैसे बनता है, अब ध्यान देना है। उसी तरह है सेल्फ प्रैक्टिस 2A, सेल्फ प्रैक्टिस 2A में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग को क्या कह रहा है ध्यान देना है। कह रहे कि आपको दे दिया है 5000, 400, 410, 81 इस बॉक्स में कंप्लीट करना है आपको, साथ ही साथ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मानक रूप में, वर्ड फॉर्म में लिखना है, शब्द रूप में, और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, विस्तार रूप में। तो पहला नंबर के इसको हम तोड़ करके देख लेंगे, 5000 यानी कि 5 पर 000, 400 यानी 4 पर 00, 410 यानी कि 40, और 81 यानी 8। अब मैं ये सबको प्लस करूंगा, 5000, 400, 40 और 8, मैं सबको प्लस कर रहा हूं, 8, 4, 4, 5 ये हुआ आपका। अब इसको सेम इसमें लिख देंगे, 5, 4, 4, 8, 5 को थोड़ा अच्छी तरह से लिखेंगे, 5, 5, 4, 4, 8, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए वंस, टेंस और हंड्रेड्स को छोड़कर कॉमा लगाते हैं, इसके बाद थाउजेंड और 10,000 को भी छोड़कर कॉमा लगाते हैं। धीरे धीरे ऐसे दो दो डिजिट के बाद कॉमा लगाते जाते हैं, लेकिन इसमें जितना है उतना ही तक सोचेंगे। फिर मैं देख रहा हूं ओ बॉक्स है, तो उसमें थाउजेंड की जगह पर क्या आया मेरा, 500 की जगह पर क्या आया, 4, टेंस की जगह पर क्या आया, 4, और वंस की जगह पर क्या आया, 8, और इस प्रकार ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म भी कंप्लीट हो गया, अब मुझे वर्ड फॉर्म में कंप्लीट करना है, तो पढ़ेंगे लिखेंगे इसको कि 5000, 400, 48, 5000, 5448, ये आपका वर्ड फॉर्म में हुआ, यानी शब्द में लिखा गया है। अब मुझे इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, विस्तार रूप में, तो 5 का 5 लिखेंगे, 5 के बाद 3 डिजिट है तो 30 बैठाएंगे, प्लस 4 है तो 4 लिख देंगे, फिर डबल है तो डबल डिजिट यानी 20 बैठाएंगे, फिर 4 है तो 4 लिखेंगे, 1 अंक है तो 10, अंत में 8 है तो 8। इस प्रकार 5448 कंप्लीट हो गया, यानी 5000 + 400 + 40 + 8 ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन में 4 वर्क्स करना है, 4 काम करना है। फर्स्ट के आपको ये बॉक्स भरना है, 1000, 100, 10 और वंस की जगह पर क्या क्या है वो डिजिट पुट किए। इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हूं। इसके बाद वर्ड फॉर्म में लिखना है, मैं वर्ड फॉर्म में भी लिखा हूं, और अंत में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखा हूं। इसी तरह आपका ये फर्स्ट का ए हुआ है, अब आप इसी तरह बी को, सी को और डी को घर पर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर नंबर नेम्स। कह रहा कि जो आपको ये सेंटेंस के रूप में एक दिया गया है और इसे नंबर नेम लिखना है आपको, यानी कि वाक्य के रूप में दिया गया है, आपको पढ़ना है, समझना है, और इसके बाद जाकर के आपको नंबर नेम यानी वर्ड के रूप में लिखना है। तो कह रहा है विवेक एक्सप्रेस कवर्स 4233 किलोमीटर। कह रहा है विवेक एक्सप्रेस जो है वो 4233 किलोमीटर कवर कर रही है। इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया, और यह भारत की सबसे लंबी रूट ट्रेन है।
यानी कि सबसे ज्यादा दूरी तय करती है, तो इसको नंबर नेम लिखना है। तो मैं देख रहा हूं 4200, यह है आपका 4233, यही है। अब इसको नंबर नेम यानी कि वर्ड के रूप में लिखना है, तो लिखेंगे 4233, यह thirty थर्टी है, thirty-three है। इसलिए ये फर्स्ट हुआ आपका वर्ड के रूप में, और वर्ड को ही दूसरा भी नाम कहते हैं नंबर नेम। तो नंबर नेम में 4233। इसी तरह इसी में का बी कह रहा है आपको कि विराट कोहली हैज बीन द इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन सिंस 2014। कह रहा है कि विराट कोहली जो है वो 2014 से वो भारतीय टीम का कैप्टन है। तो भाई नंबर नेम लिखना है तो 2014 है, यानी 2014। इसको कंप्लीट करना है तो आप लिखेंगे two thousand, ये 14 का स्त्री लिख देंगे, ये 2014 हो गया। यानी कि 2014 से विराट कोहली जो है वो कैप्टन के रूप में जाना जा रहा है। इसको नंबर नेम के रूप में लिखना है, ये नंबर नेम के रूप में लिख दिया हूं। अब आपको क्वेश्चन नंबर सी ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यूरी गागरिन वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू जर्नी इनटू आउटर स्पेस इन 1961। इसमें देख रहा हूं कि 1961 है, यानी कि 1961 है। अब इसको लिखना है, ये सी नंबर डालेंगे, उसी तरह यहां भी लिखेंगे पहले नंबर नेम NUMBER, नंबर NAME लिख देंगे। इसके बाद ये सीधा लाइन खींचेंगे, आ देख रहा हूं कि 19, तो NINETEE नहीं, सॉरी रॉन्ग हो रहा है, पहले इसको लिखेंगे 1961, यह हुआ आपका 1961 का। इसी तरह आप डी नंबर भी देखेंगे, धीरे धीरे इस तरह करके जो भी वर्ड के रूप में लिखना हो चाहे नंबर नेम के रूप में हो, ये दोनों इक्वल है। जितना आप लोग को एस डब्ल्यू के रूप में पीडीएफ के माध्यम से मैं देता हूं वो घर पे बनाना है। अब बनाने के बाद अपना नेम लिखना है, और नाम लिखने के बाद क्लास भी लिखना है न्यू सेशन के अनुसार। जैसा कि अगर आप पहले पिछले क्लास में आप 3 में अगर थे, तो इस बार 4 में आप चले गए, तो 4 में चले गए तो क्लास 4 लिखेंगे, नेम लिखेंगे इतना कम से कम करेंगे, और वर्क बनाएंगे या तो ऊपर नेम और क्लास लिख सकते हैं, और नहीं तो नीचे में नेम और क्लास लिख सकते हैं। जिस कॉपी पर जिस पेज पे बना रहे हैं इतना जरूर काम करना है, तब मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है और वर्क मैं चेक करूंगा। जो इस एक्सरसाइज को सेल्फ प्रैक्टिस 2A को मैं कंप्लीट किया हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का ABC, इसी तरह इसमें का जो DC D बच गया वो सब घर पर बनाना है, 2 का डी भी बनाना है, और SW आज भी मैं PDF के माध्यम से आप लोग के पास भेज दूंगा। थैंक यू।